हे दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अस्थमा की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो यह जिंदगी भर तक रहती है। सच कहें तो यह एक तरीके की लाइलाज बीमारी है, परंतु कुछ दवाओं और एहतियात के जरिए हम इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है। दुनिया में तकरीबन 33 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल तकरीबन 2.5 लाख मौत इस बीमारी के कारण होती है। दमा या अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जहां ब्रोंकाइटिस में सूजन के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। सूजन की वजह से मांसपेशियों के बीच से हवा पास होने में परेशानी होती है और घरघराहट की आवाज आती है। इसके साथ इसमें सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी भी होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इस पर काबू पा सकते हैं। अस्थमा के बारे में जानने से पहले अपनी सांस से जुड़ी तत्वों के बारे में जानना आवश्यक होता है। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होकर गले और वायु मार्ग में जाती है। इसके बाद आखिरी में वह फेफड़ों में समा जाती है। हमारे फेफड़ों में ऐसे कई छोटे पैसेज होते हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड फ्लो से मिलने में मदद करती है। जब वायु मार्ग में सूजन या उसके आसपास की मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है तो ये अस्थमा का संकेत होता है। इसके बाद बलगम वायु मार्ग को भर देता है, जिससे फेफड़ों तक हवा पहुंचने में कमी आने लगती है। इस स्थिति के कारण अस्थमा अटैक पड़ सकता है और इसके साथ साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकता। सीने में अकड़न और खांसी को आमतौर पर अस्थमा का लक्षण माना जाता है। अस्थमा की बीमारी सर्दी के दिनों में और ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। चलिए अब मैं आपको अस्थमा बीमारी के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अत्यधिक खांसी होना, विशेष रूप से रात के समय हंसी और सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज निकलना और छाती में जकड़न महसूस होना, सांस लेते समय आवाज आना, सांस लेने में तकलीफ होना, कोहरे या धुएं से एलर्जी होना, थकान का एहसास होना। इन लक्षणों के लगातार संकेतों से इशारा मिलता है कि आपको जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए अब हम अस्थमा के कारण की बात करते हैं। वैसे तो अस्थमा की बीमारी के कई सारे कारण हैं, मगर विशेष स्थिति और वातावरण दमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं या खराब कर सकते हैं। श्वसन यानी सांस लेने संबंधी बीमारियां जैसे संक्रामक जुखाम और फेफड़ों की सूजन होना, बढ़ी हुई एक्टिविटी श्वसन को अधिक कठिन बना सकती है। दमा के रोगी रासायनिक धुएं, मजबूत गंध और इसी तरह के उत्तेजक पदार्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं। मुश्किल मौसम की स्थिति जैसे उच्च आर्द्रता या ठंड का मौसम होना, जोर से हंसना, चिल्लाना और कोई भी भावनात्मक विस्फोटक जो सांस लेने की दर को बढ़ाता है। धुएं, कोहरे, धूल व मिट्टी के ज्यादा संपर्क में आने से भी अस्थमा हो सकता है। तेज तेज चलने और मौसम बदलने के कारण भी अस्थमा हो सकता है। चलिए अब मैं आपको अस्थमा की बीमारी का इलाज बताती हूँ। इसका सबसे अच्छा इलाज इनहेलर है। इनहेलर को अस्थमा के रोगियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। यहाँ पर एक बात बता देनी बहुत जरूरी है कि अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो गई है तो उसको जिंदगी भर इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर कुछ एहतियात और इलाज है जिसके द्वारा अस्थमा की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जो लोग अस्थमा की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी जीवन शैली को सुधारें। जीवन शैली में सुधार के जरिए ही हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी सारे काम होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और वही कारण बनती है हमारी बीमारियों की। यदि कोई नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि वह नशीले चीजों को छोड़ दे, क्योंकि नशा खतरनाक चीज होती है। दमा की बीमारी ज्यादातर उनका सेवन करने वाले लोगों को ही होती है। दमा की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि नशीले पदार्थों से छुटकारा हासिल करें। धूल मिट्टी से परहेज करें, क्योंकि धूल व मिट्टी के द्वारा ही अस्थमा की बीमारी हो सकती है। यदि किसी को अस्थमा की बीमारी है तो उसे चाहिए कि धूल व मिट्टी से परहेज करें और हमेशा नाक पे कोई कपड़ा बांध ले या मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे वे सुरक्षित रहे। बहुत से लोगों को मौसम के बदलने से बहुत फर्क पड़ता है और यह अस्थमा के रोगियों के लिए खतरनाक है। इसलिए जब भी मौसम की तब्दीली हो तो उन्हें खास तरीके से रहना चाहिए, खास तौर से सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दी का मौसम अस्थमा की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सर्दियों में अस्थमा की बीमारी जोर पकड़ लेती है। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उन्हें चाहिए कि वे ज्यादा न सोए, क्योंकि अस्थमा की बीमारी ज्यादा सोने से बढ़ सकती है। अस्थमा की बीमारी वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ऐसे आहार का सेवन करें जो जल्दी हजम हो जाए। हे दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल पर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं,
अगर आप इन वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे YouTube चैनल हेल्थ फर्स्ट पर विजिट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।